एक सवाल बताओ, 1879 में क्या हुआ था? गुरुजी 1879 में गांधी जी का जन्म हुआ था। बाबा देखो इसे सीखो कुछ। अच्छा आप बताओ 1879 में क्या हुआ था? अरे गांधी जी 3 साल के हो गए। 1877 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, इतना भी जानता? अच्छा तू ये बता पानीपत की लड़ाई कब हुई? अरे हमारे बापू ने नो कह रखी, किसी की लड़ाई हुई मरना पड़ेगा। सुमित तुम बता रहे सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बताओ। जी हाथी। हाथी इतना ही पता? क्या कर लेते हैं बाप? थानेदार है। आसंत राम जी सोने में आई गिरावट का कारण बताओ। अजी जब सही जियो का सिम आया ना लोग 4 घंटे सो रहे। आप बताओ एक साल के अंदर कितनी रात्रि होती है? 10। कैसे? 9 नवरात्रि 1 शिवरात्रि। हाँ संतु। हाँ जी एक बात बता, तेरे बाप की तो दवाई की दुकान है, तू तो बहुत रसगुल्ले खाता होगा। अजी नहीं मेरा बाप और कंजूस है, रसगुल्ले पीने का डर है। मैं उन्हें खाता नहीं, मैं उन्हें चूस को उल्टे दर। आरती जी सर बहुत समझदार पढ़ी लिखी है, तो 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। जी सर 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 6 जी सर मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था दुर्घटना में 6 की मौत हो गई। तुम्हें अगर गधा और शेर बनना हो तो क्या बनोगे? जी शेर रहेगा जानवर। संतराम जी अच्छा तुम बताओ, तुम समझदार सबसे। हाँ जी एक बात बताओ, कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक पाइप में रखा, निकाली फिर टेढ़ी की टेढ़ी, इस वाक्य का मतलब बताओ। अरे इसका कुछ मतलब नहीं है, यू सारा मैनुफैक्चरिंग का डिफॉल्ट है। आरती एक बात बताओ, तुम कल्पना करो तुम एक कमरे में बैठी हो और आग लगी। जी गुरुजी मैं कल्पना नहीं करने की। चल एक बात बताओ, तुम इतना आग पूछो तुम भी पूछो। एक सवाल मेरा होता। हाँ पूछो। सभी टीचर अपने स्टूडेंटों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा। धोबी का कुत्ता घर का ना भारत का? जी सानिया मिर्जा का बच्चा ना भारत का ना पाकिस्तान का। आश्रिया हाँ जी एक बात बताओ बेटे। दो पूछो। भारत की राजधानी का नाम बताओ। मेरठ। अगर दिल्ली बता देती तो कौन सा मैं नहीं नाम दे देता। समीर अजी पढ़ लिया कर, नहीं तो मैं कल तेरा मुर्गा बनाऊंगा। तो जी दारू की बोतल मैं ले आऊंगा। आरती सुनो सुनो, आरती तुम कल्पना करो कि तुम एक कमरे में बैठी हो और आग लगी। जी सर जी मैं कल्पना ही नहीं करने की। सुमित हेलो ध्यान से पढ़ो। हेलो तुम स्कूल में किसके लिए आते हो? ये विद्या के कारण। तो फिर ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या विद्या नहीं? चलिया बेटे। हाँ जी तुम क्या क्या बना लेते हो? सुमित एक सवाल बता रहे ये। एक आदमी ने तेरे बाप को 2 लाख में 5 रुपए सैकड़े में दिए, 2 महीने बाद कितने लेगा? ये एक बिना गणित नहीं जानता। ये गणित तो मैं जानू पर तब मेरे बाप को नहीं जानते। भाई आरती मैं तेरी गलत शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरी घरवाली है, 4 बालक है। आरती तो कनाड़ प्लेस गई थी, क्या क्या लाए? जी गुरुजी एक छोटी सी क्लिप, बाकी 45 सेल्फी। अच्छा आरती जी सर। आरती तूने कहावत सुनी होगी, पड़ी लकड़ी देली, इसका मतलब बताओ। शेरों के शेरों आती है। अरे इसका मतलब है कि दूसरे की मुसीबत अपने सिर पे ले ली। हाँ संतराम हाँ जी तुझे रिलायंस की
टाटा बिरला की सारी फैक्ट्री दे दी जाए तो कैसे करेगा आप? अजी मैं उनसे ज्यादा पैसे कमा के दिखा दूंगा। वो कैसे? मैं केरी ठेली तो लगाऊंगा। हाँ भाई कल तो स्कूल क्यों नहीं आया? जो बोला है डीसी बन गया। शांति खान बैठ जाओ। अरे यार शांति नहीं है, आरती के साथ बैठ जाओ। अरे अपना करेक्टर सुधारो। ऐसा करेक्टर करोगे तो कैसे बात बनेगी? स्कूल में जाओ तो हर टीचर को अपनी माँ समझो। अजी टीचर को अपनी माँ समझेंगे तो हमारे बाप को करेक्टर खराब।